Good afternoon, class. This is your Whole Science Chapter 2, Federalism. I am your Social Studies teacher, and right now I am going to start this chapter. What we have discussed earlier, that what is federalism? Federalism is a system of government. A system of government in which a system of government jisme power of division jo hai wo kinke beech hai, between central and state government. This is your federalism is that type of government in which power of division is between central and state government. This is the system of federalism. Second is, what is the key feature of federalism? Iske key features kya hai? Kaise pata chalta hai ki kaun si government federalism government hai? To inke key features kuch is tarah se hai. Jaise ki number one key feature federalism ka, more than two tier of government. More than two tier of government. जैसे अपने इंडिया है, इंडिया एक फेडरल कंट्री है, इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और इसके अलावा बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल गवर्नमेंट को भी ऐड कर दिया गया, तो हम कह सकते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है. सेकेंड एग्जाम्पल क्या है कि ईच गवर्नमेंट हैज इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन. हर एक गवर्नमेंट की अपनी क्या है, ज्यूरिसडिक्शन है. ज्यूरिसडिक्शन का मतलब, ज्यूरिसडिक्शन मीन्स होता है एरिया ऑफ कंट्रोल. सेंट्रल का ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, सेंट्रल का अपना ज्यूरिसडिक्शन अलग होगा और स्टेट का ज्यूरिसडिक्शन अलग होगा. जहाँ पे वो अपना एडमिनिस्टर करते हैं, जहाँ वो एडमिनिस्टर करते हैं जहाँ पे वो अपना टैक्सेशन करते हैं, जहाँ से वो टैक्स लेते हैं, ठीक है, ये हो जाता है ज्यूरिसडिक्शन. इसके अलावा थर्ड पॉइंट क्या हो गया कि इन गवर्नमेंट का जो ज्यूरिसडिक्शन है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी ज्यूरिसडिक्शन एरियाज को बताया गया, स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन. क्लियर. फोर्थ पॉइंट क्या है कि ये जो गवर्नमेंट है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करना है, चेंज इन प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अगर चेंज करना है तो फिर क्या होगा, ईच गवर्नमेंट के कंसेंट की जरूरत पड़ेगी. ईच गवर्नमेंट कंसेंट नीड. एक यहाँ पे यूनिलेटरल पावर नहीं चलेगा. हमें यहाँ पर अब जैसे पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, पार्लियामेंट में लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों हाउसेस में अपने प्रपोज को पास कराती है. दोनों जगह से अगर प्रपोजल पास हो जाता है, मेजोरिटी चाहिए होती है 2/3 ऑफ द हाउसेस, मेंबर ऑफ द हाउसेस, लोकसभा से भी 2/3, राज्यसभा से भी 2/3. फिर वहाँ से जब प्रपोजल पास हो जाता है तब स्टेट गवर्नमेंट में आते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट में जैसे हमारी 28 स्टेट्स है तो मोर देन हाफ स्टेट्स यानी कि 15 स्टेट्स में वहाँ के भी लेजिस्लेटिव असेंबली से ये पास कराना जरूरी होगा, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट जो है वो फेडरलिज्म टाइप ऑफ गवर्नमेंट है. तो यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में चेंज होगा तो हर एक गवर्नमेंट के कंसेंट की जरूरत होगी. अब यहाँ जो है हमारा फिफ्थ पॉइंट ये है कि जो इनका रेवेन्यू सोर्सेस है, वो रेवेन्यू सोर्सेस ये लोग कहाँ से ले आएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर से लेगी, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट से लेती है. सिक्स्थ पॉइंट है कोर्ट. जो कोर्ट है उनका रोल क्या है,
कोर्ट का रोल ये होता है कि जब कभी डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट हो रहा है दो गवर्नमेंट के बीच में, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो वो डिस्प्यूट को हैंडल करने का काम कोर्ट करती है, जिससे फेडरल सिस्टम में बैलेंस बना रहता है। एंड लास्ट वन इज, लास्ट फीचर इज कि जो इनका ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स है, इनका जो फेडरल गवर्नमेंट है उनका दो उद्देश्य है। वो दो उद्देश्य क्या है? एक तो इनकी यूनिटी मेंटेन रहे और दूसरा इनकी डाइवर्सिटी मेंटेन रहे। ये कैसे मेंटेन रहेगी, यूनिटी कैसे मेंटेन रहेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो राज्यों के बीच कोई प्रॉब्लम आती है, वॉयलेंस आती है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है जिससे देश की यूनिटी पर खतरा आता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे अपना रोल निभाती है। उसके बाद कोर्ट वगैरह है ही अपना करने के लिए, तो देश की यूनिटी बनी रहती है और हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपने देश के राज्य की एथनिसिटी को, अपने कल्चर को बचाने के लिए वो वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो इसे देश की डाइवर्सिटी भी बनी रहती है। सो क्लास, दिस आर दी फेडरलिज्म, दिस इज फेडरलिज्म एंड दी की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। थैंक्स टू ऑल।